हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीखने वाले हैं क्लास 1 एंड 2 का मल्टीप्लिकेशन। तो क्वेश्चन 1 हमारे पास है 2 1 1 2 या 21 या 12। तो मल्टीप्लिकेशन कहते किसको हैं? टेबल्स को, सिंपल। और अगर आपको नहीं पता कि मल्टीप्लिकेशन का साइन कैसा होता है तो मैं आपको वो बता देती हूँ। तो मल्टीप्लिकेशन का साइन होता है क्रॉस की तरह, सेम जैसे टेबल्स के बीच में नहीं आता 2 × 1 इज इक्वल्स टू जैसे होता है, उसमें बीच में जो मल्टीप्लाई आता है यानी ये इसको मल्टीप्लाई कहते हैं। इसको क्रॉस टू साइन नहीं आता, किसी के भी टेबल में क्रॉस साइन आता है उसको मल्टीप्लाई कहते हैं। अब मल्टीप्लिकेशन में होता क्या है? कुछ भी नहीं होता, सिर्फ टेबल्स होते हैं, आपको सिर्फ टेबल्स आने चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहले आप सीखें कि मल्टीप्लिकेशन कहाँ से स्टार्ट करना है, कैसे करना है और किस राइट लेफ्ट से स्टार्ट करना है, यहाँ से करना है, कैसे करना है और क्यों करना है। क्यों का मतलब कैसे करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हम नीचे देखेंगे, नीचे ये कितने डिजिट हैं, हम कर रहे हैं 2 डिजिट का। तो हम नीचे देखेंगे यहाँ पे 2 है, 2 यहाँ पे ऊपर देखेंगे 1 है, जो 2 के ऊपर होगा ना, 2 के ऊपर हमें राइट साइड से स्टार्ट करना है ना कि लेफ्ट साइड से। हमें देखना है नीचे वाला नंबर 2 है, इसके ऊपर क्या 1 है, इसके ऊपर देखना है, ये नहीं यहाँ देखना है, यहाँ पे भी देखना है मगर पहले यहाँ देखना है जो इसके ऊपर हो। सो इसके ऊपर 1 है एंड अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई मतलब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे। आसानी के लिए मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पे देखो 2 × 1 इज इक्वल्स टू, यानी 2 × 1 = 2। सिंपल, यहाँ पे हम लिख देंगे 2 × 1 = 2। ये 2 है, ये 1 है, हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो हमारा 2 आंसर आया। ओके, यहाँ पे हमने लिख दिया 2। अब नेक्स्ट हमारा 2 ही से हम अब हम करेंगे 2 को, क्योंकि इसके बराबर में 1 के बराबर में 2 है। अभी हमें इसको 0 के शक्ल में देखना है, यानी यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा, अभी हम सिर्फ 2 के ऊपर फोकस करेंगे फिर 1 के ऊपर आएंगे। सो यहाँ पे देख 2 2 ज़ा, अब यहाँ पे 2 2 ज़ा हमें मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई कैसे, जैसे मैंने अभी आपको सिखाया था, देखें दोबारा से सिखाती हूँ, 2 2 ज़ा 4। अगर आपको नहीं आता तो आप ऐसे भी पढ़ सकते हो, 2 × 2 2 × 2 = 4, ऐसे भी पढ़ सकते हो, जैसे 2 2 = 4 होता है। अब हमने ये लिख दिया, अब आप लोग सोचेंगे तो 1 की जगह कहाँ चली गई, तो 1 की जगह नीचे वाली लाइन में आती है। सो नीचे हमें शुरू करने से पहले आप ये बात का ध्यान रखिएगा कि आपको इस फर्स्ट लाइन के नीचे सेकेंड लाइन में आपको क्रॉस ज़रूर लगाना है। ये एक इम्पॉर्टेंट को ये होता है, इम्पॉर्टेंट होता है ये मल्टीप्लिकेशन में, ये लगाना। सेकंड लाइन जब आप शुरू करते हैं सेकंड नंबर की, तो ये लगाना हमारा बिल्कुल बिल्कुल लाजमी होता है एंड ये बहुत मतलब ये बहुत लाजमी होता है। सो अब हम स्टार्ट करते हैं 1 को। तो 1 1 ज़ा, यहाँ पे हम देखेंगे यहाँ पे है 1 हमारा और यहाँ पे क्या है 1। जैसे हमने 2 को 2 ऐसे ऐसे किया था ना, अब 1 को हम ऐसे नहीं करेंगे, हम 1 को ऐसे करेंगे, ठीक है। 2 को हमने ऐसे किया था, 1 को हम ऐसे करेंगे। यहाँ पे जो भी नंबर हो, पहले नंबर को ऐसे करेंगे फिर ऐसे करेंगे, दूसरे नंबर को पहले ऐसे करेंगे फिर ऐसे करेंगे। ओके, तो फर्स्ट नंबर हमारा 1 है और इधर 1 है, 1 1 ज़ा 1 होता है, सबको ही पता है ये, तो 1 1 ज़ा 1 हम यहाँ लिख देंगे। अब हमारा 1 2 ज़ा, सिंपल 2 होता है, 2 हम यहाँ लिख देंगे। अब हमने लिख तो लिया, अब हमारा आंसर क्या आया, अब हम जो हमारे आंसर आया यानी 42 और 21 या 0, इसको कुछ भी लगा लो, तो हम उनको प्लस कर देंगे। इन चारों नंबर्स को या पांचों को हम प्लस करते हैं। देखो 2 प्लस यहाँ तो कुछ भी नहीं है, मतलब ये नथिंग है, 0 है, क्रॉस है, तो यहाँ पे हम सिंपली यहाँ पे 2 लिख देंगे। अब यहाँ पे है 4 प्लस 1, 4 + 1 क्या होता है, 4 + 1 होता है 5, तो हम यहाँ पे लिख देंगे सिंपली 5 एंड यहाँ पे 2 है, ना इसके ऊपर कुछ है ना इसके नीचे कुछ है, तो हम यहाँ लिख देंगे सिंपली 2। तो अब हमारा आंसर क्या आया, मैं आपको वो बताती हूँ। तो हमारा आंसर ये है 252, यानी 252। सो बहुत ही सिंपल मल्टीप्लिकेशन होती है। मैं आपको क्वेश्चन नंबर 2 सिखाती हूँ और ऐसे ही हम आपको एक और
एग्जाम्पल देती हूँ। हमारा क्वेश्चन नंबर टू है 1421 या फिर 14 and 21। सो हम इसको भी सिंपली वैसे ही करेंगे जैसे हमने फर्स्ट किया था। जैसे नीचे वाला नंबर हम पहले देखेंगे, 1 है, 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करना आ गया होगा आपको सिंपली, तो 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे आसानी से, बहुत इजी होता है। 1 4 4 एंड 1 1 जा, पहले ऐसे करते हैं फिर ऐसे करते हैं, मैं आपको बार बार बता रही हूँ, पहले ऐसे करते हैं फिर ऐसे करते हैं, फर्स्ट नंबर को सेकंड नंबर को पहले ऐसे करते हैं फिर ऐसे करते हैं। तो 1 1 जा 1 हो गया। ये तो बहुत आसान था, जो ऊपर था वही हमारा नीचे आ गया 14 14। एंड नेक्स्ट, अब हम सेकंड लाइन को शुरू करने से पहले रूल है इसका मल्टीप्लीकेशन का, हम यहाँ पर लगाएंगे क्रॉस। फिर हम शुरू करेंगे 2 का, 2 4 8, यहाँ पे हम राइट कर देंगे 8। अब हम 2 1 लिखेंगे, सिंपल सबको पता है 2 1 2। अब हमारा आंसर कहाँ है, हमारा आंसर प्लस करके आएगा, तो हम इन सब को हम प्लस कर देंगे। इससे हमारा यहाँ से यहाँ तक ये वाला हमारा आप छोड़ दें, अब हम इनकी तरफ आ गए। अब 4 को हम प्लस कैसे करेंगे, किसी से नहीं, तो एज इट इज़ 4 को हम ऐसे यहाँ उतार देंगे। एंड 2 यहाँ पे 1 को 8 में प्लस करें या 8 को 1 में प्लस करें तो हमारा 9 हो जाएगा। सिंपली हम यहाँ पे लिख देंगे 9, एंड 2 के ऊपर कुछ नहीं है, 2 के नीचे कुछ नहीं है, तो सिंपली यहाँ पे 2 आ जाएगा। एंड यहाँ पे हो गया 294 आंसर हमारा। तो अब मैं आपको अलग से लिखकर भी नहीं बताने वाली, क्योंकि अब आपको समझ आ चुकी है कि हमारा 294 आंसर हो गया है। तो आई होप कि आपको 2 में समझ आ चुका होगा कि मल्टीप्लीकेशन कैसे करते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि हम स्टडी से रिलेटेड और भी वीडियोस लेकर आएँ तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक एंड शेयर कर दें। और नेक्स्ट वीडियो हमारी होगी ऐसा ही कुछ अमेजिंग सी, तो बाय बाय।